अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स ओपन कर लीजिए। मैथ्स की बुक में है पेज नंबर 27 पर चैप्टर नंबर 3, ऊपर लिख लीजिए FA3। ये चैप्टर FA3 में आएगा, तो ऊपर FA3 लिख लीजिए सभी बच्चे। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है रीजनल नंबर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के रीजनल नंबर्स के बारे में है ये चैप्टर। नंबर्स जानते हैं आप सभी बच्चे, नंबर्स क्या होते हैं पता है ना आप सभी बच्चों को? नंबर्स किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी काउंटिंग्स हैं, जो भी काउंटिंग है उसको क्या कहते हैं? नंबर्स ही तो कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 क्या आप सभी बच्चे जानते हैं? इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, यानी जिस देश में हम रहते हैं वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। अराउंड 1500 लैंग्वेजेस आर स्पोकन ऑल अराउंड द कंट्री। और पूरे इंडिया में क्षेत्र के हिसाब से तकरीबन 1500 लैंग्वेज बोली जाती हैं, 1500 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? क्षेत्र के हिसाब से, सिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, शहरों के हिसाब से बात नहीं हो रही है, यहाँ रीजन के हिसाब से बात हो रही है कि क्षेत्र के हिसाब से 1500 भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में। दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड रीजनल लैंग्वेज। और इन भाषाओं को क्या कहा जाता है जो क्षेत्र के हिसाब से बोली जाती है? उन्हें क्षेत्रीय भाषाएं कहा जाता है, रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है। एवरी लैंग्वेज हैज़ स्पेसिफिक नंबर स्क्रिप्ट, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। और जो भी लैंग्वेज होती है, जो भी भाषा होती है, उसका लिखने का भी अपना तरीका होता है, बोलने का भी अपना तरीका होता है। आपने देखा होगा ना, देखिए इंग्लिश आप पढ़ते हैं, तीन लैंग्वेजेस तो हैं आपके पास, इंग्लिश है, हिंदी है और उर्दू है। अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश आप अलग तरीके से लिखते हैं, हिंदी के लिखने का तरीका अलग है और उर्दू के लिखने का तरीका अलग है। इसी तरीके से उनके काउंटिंग्स में भी फ़र्क है, यानी नंबर्स में भी फ़र्क है। तो हर भाषा के अपने स्पेसिफिक नंबर स्क्रिप्ट होती है। ये देखिए यहाँ नीचे कितनी सारी भाषाओं की नंबर स्क्रिप्ट दी गई है। फर्स्ट है हिंदू अरबिक, जो हम लिखते हैं ना 1, 2, 3, 4 काउंटिंग, इसका नाम क्या है? इसे हिंदू अरबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक नंबर्स कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं मैथ्स में नंबर्स, उन्हें क्या कहा जाता है? हिंदू अरबिक नंबर्स कहा जाता है। नीचे दी गई है देवनागरी, देखिए देवनागरी में ज़ीरो को किस तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल ज़ीरो की तरह। वन देखिए चेंज हो गया, टू भी थोड़ा सा चेंज हो गया, थ्री को इस तरीके से लिखते हैं, फोर को थोड़ा ऐसे एट बनाकर लिखते हैं, फाइव को वाई की तरह लिखते हैं। इसी तरीके से उर्दू, उर्दू में तो आती है ना आप सभी बच्चों को, काउंटिंग सीखी थी आपने, तो 0, 1, 2, 3, 4 किस तरीके से लिखते हैं आपको पता है। नीचे देखिए कितनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस और उनके नंबर्स दिए गए हैं। उर्दू है, उसके बाद बंगला है, तेलुगू है, ओरिया है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, असमेज है, और ये ना गुरुमुखी नहीं है, ये गुरुमुखी है, GURUMUKHI, गुरुमुखी पंजाब में बोली जाती है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अगर आप देखेंगे तो बंगला में ज़ीरो किस तरीके से लिखते हैं, थ्री देखिए, फोर देखिए एट की तरीके से लिखते हैं, सेवन को नाइन की तरह से लिखते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सब नंबर्स दिए गए हैं कि इन भाषाओं में ये जो रीजनल लैंग्वेज दी गई हैं, मराठी, गुजराती, ओरिया, तेलुगु, इसमें नंबर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब आपको इस टेबल की मदद से नीचे के जो नंबर्स दिए गए हैं उनको फिल करना है, एक्सरसाइज 3.1 करनी है, पेंसिल की हेल्प से करनी है सभी बच्चों को। फर्स्ट है यूजिंग द अबव टेबल, आपको जो ऊपर टेबल दिया गया है उसको यूज़ करना है। तो ये जो ऊपर टेबल दी गई है इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, नीचे नंबर्स दिए गए हैं हमारी लैंग्वेज में, है ना? हम कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं नंबर्स? हिंदू अरबिक लैंग्वेज में, पता है ना? अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे ना कि हम किस लैंग्वेज में, ये जो 786 यहाँ लिखा हुआ है जो हम मैथ्स में लिखते हैं, इसे कौन सी लैंग्वेज कहा जाता है? इसे हिंदू अरबिक लैंग्वेज कहा जाता है ना। तो आपको ऊपर वाली टेबल की हेल्प से नीचे यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का नाम भी दिया गया है और नंबर्स भी दिए गए हैं हमारी लैंग्वेज में, आपको इनको कन्वर्ट करके लिखना है, इनको इनकी स्क्रिप्ट में लिखना है। जैसे फर्स्ट है 786 है, आपको उर्दू में लिखना है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो उर्दू में देखिए 786 कैसे लिखा हुआ है,
सेवन किस तरीके से बना हुआ है, ये रहा ऐसे वी बना हुआ है ना, एट उल्टा वी बना हुआ है, और सिक्स ऐसे हमजा बना हुआ है ना। तो नीचे लिख लीजिए सेवन एट सिक्स, किस तरीके से पहले वी बनाइए, फिर उसको उल्टा कर दीजिए, और उसके बाद ये हमजा बना हुआ है इस तरीके से। 786 लिखना है उर्दू में। नेक्स्ट है 1125 इन गुरुमुखी, गुरुमुखी जो लैंग्वेज है उसमें आपको 1125 लिखना है, यानी 1125। तो ये देखिए वन किस तरीके से बना हुआ है गुरुमुखी में, नाइन की तरीके से, ऐसे नाइन बनाइए और नीचे से गोल भी करना है आपको, ऐसे नाइन बनाना है नीचे से ऐसे गोल करना है। टू देखिए, और टू देखिए किस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से ऐसे टू बना लीजिए, और फाइव बनाना है, फाइव देखिए, फाइव ये है, अगर आप देखेंगे ऐसे यू बना हुआ है थोड़ा सा, ऐसे करके फोर की तरीके से, ये क्या है गुरुमुखी लैंग्वेज में आपने 1125 लिखा है। अब है नेक्स्ट है सी पार्ट, 905 लिखना है आपको बंगला लैंग्वेज में। तो ये देखिए बांग्ला कहते हैं हिंदी में भी, अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश होता है, तो ये बांग्ला है, इंग्लिश में इसको बांग्लादेश इस तरीके से पढ़ते हैं। तो 905 है बांग्ला में, तो 9 देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ये 2 को ऊपर तक करके बनाया गया है, ये देखिए कितना खतरनाक 9 है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना। तो किस तरीके से 2 को इस तरीके से ऊपर ले जाकर, और 0 नॉर्मल है जैसे बनता है, बस थोड़ा सा ये आगे बढ़ा हुआ है यहाँ से, अगर आप देखेंगे ये रहा। और उसके बाद है 5 देखिए ऐसे 5 बनाते हैं। अब इससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो हिंदू अरबिक हम लिखते हैं वो कितनी ईजी है, और जो हम उर्दू लिखते हैं वो कितनी ईजी है ना। ये देखिए ये वाली लैंग्वेजेस कितनी ज़्यादा टफ हैं, तमिल में देखिए कितने ज़्यादा टफ काउंटिंग है, ओहो बच्चे कैसे लिखते होंगे है ना। देखिए हमारे लिए कितने टफ है ना, अब हम ये सब लिखेंगे, लेकिन ये जिसकी लैंग्वेज है, जिन बच्चों को शुरू से सिखाई जाती है, जहाँ पर ये बोली जाती हैं, सिखाई जाती हैं, स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, उनके लिए सब ईजी होता है। जैसे हम 1 2 3 4 लिख लेते हैं ना ऐसे स्पीड में, ऐसे ही वो लोग भी लिख लेते हैं। और ये है 5 देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ध्यान से बनाइएगा ऊपर से देखकर, ठीक है। उसके बाद है डी पार्ट, 1508 इन तमिल, तमिल में 1508 लिखना है तमिल, देखिए ऊपर ये रही तमिल, 15 देखिए कैसा बना हुआ है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ना लिखना, लेकिन देखकर ही तो लिखना है, लिख लेंगे। तो 1 बनाइए पहले, ऐसे 8 करके बना हुआ है ना ऐसे। उसके बाद है 5, अगर आप देखेंगे तमिल में 5 है ये, 0 1 2 3 4 5 ये 5 की तरीके से ही बना हुआ है, थोड़ा सा बस ये 5 इस तरीके से बना हुआ है। और उसके बाद है 0 0 देखिए W बना हुआ है ना, और 8 कैसे बना हुआ है तमिल में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 भासे भालू बना हुआ है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, अब है नेक्स्ट ई पार्ट, 2025 लिखना है मराठी में। ये थोड़ा सा इजी है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे लिए क्या है, तमिल। मराठी में भी नंबर्स इजी हैं है ना लिखने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको लिखना है 2025। तो 2 कैसे लिखेंगे, 2 दिया गया है ये रहा, बिल्कुल 2 की तरह बनाना है, 0 भी 0 की तरह बनाना है, फिर 2 वापिस से 2 बनाना है, और 5 बनाना है ये इस तरीके से, R बनाना है एक तरीके से, ये देखिए 2025 ईजी है ना। अब लिखना है आपको 5140 ओरिया में, ओरिया लैंग्वेज ऊपर दी गई है, 5000 देखिए किस तरीके से बना हुआ है, 8 और 8 को
ऐसे कट कर रखा है ना, यानी पहले आप ऐसे 8 बनाएंगे, उसके बाद उसको ऐसे कट कर दीजिए। उसके बाद है 1 1, देखिए उल्टा 9 बना हुआ है एक तरीके से, अगर आप देखेंगे यहाँ उल्टा 9 है, उल्टा 6 है, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से इन्होंने 1 बनाया है, बनाना है आपको। और 4 है, ध्यान से बनाइएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। 4 देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ओरिया में आर बना हुआ है, ये रहा। और उसके बाद 0 तो 0 की तरह ही है, तो ओरिया में 5140 हो गया। अब है लास्ट, तेलुगु में लिखना है, जी पार्ट है 3905। अब तेलुगु में अगर आप देखेंगे तो 3 हमारी तरह ही है, बिल्कुल 3 नॉर्मल, ठीक है 3 बना लीजिए, ये रहा। उसके बाद 9 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, 9 ये ई की तरह है ना, थोड़ा थोड़ा ई जैसा बना हुआ है, ये उनकी लैंग्वेज है, वो लोग इसी तरीके से लिखते हैं काउंटिंग। और उसके बाद है 0 0, देखिए थोड़ा सा तेलुगु में, ये देखिए 4 डॉट्स भी हैं 0 के साथ, जब आप 0 बनाएंगे ना तो आपको डॉट्स लगाने, 1 2 3 4, इस तरीके से 0 है। और 5H बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 5 का क्या है, इस तरीके से एक पूरा सर्कल है, हाफ सर्कल, और फिर इस तरीके से H बना हुआ है। डिफ़िकल्ट है ना, लेकिन जो जिन बच्चों की ये अपनी लैंग्वेज है उनके लिए बहुत इजी होती है, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया जाता है, तो उनका हाथ सेट हो जाता है और माइंड में भी ये सेट हो जाती है अच्छी तरीके से। तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।